हे व्हाट्सअप दोस्तों, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है एंड टफेस्ट एग्ज़ाम भी बोली जाती है इसको। सो नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। सो हम लोग इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में विस्तार में जान लेते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सो सबसे नंबर 1 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। सो इसमें आपको ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्टैक्ट करवाती है एग्ज़ाम्स, राइट। इसमें आप IAS, IFS, IRS, IPS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग फिगर यहाँ से निकल के आ रही है इस एग्ज़ाम से कि हर साल 0.1% टू 0.3 एग्ज़ाम 3% कैंडिडेट्स जो है वो एग्ज़ाम क्लियर पास कर पाते हैं, ओनली 0.01% टू 0.3%, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग फिगर है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कॉम्पिटिटिव है एग्ज़ाम, राइट। सो इसमें टोटल 3 स्टेप्स होती है, राइट। उसमें से 2 एग्ज़ाम्स होती है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। सो पहले जो नंबर एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इसमें जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है एंड उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, राइट। मेन एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम बोलते हैं, MCQ टाइप होती है पर्सनैलिटी टेस्ट, तो उसको आपको देनी पड़ती है। सो ये जो प्रोसेस लग जाती है कितनी कॉम्पिटिटिव है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख देता हूँ। तो जनरली यूपीएससी को जो एग्ज़ाम्स होता है इसका जो प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 साल लग जाती है, 1 साल। मतलब एग्ज़ाम प्रोसेस, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, इसका प्रोसेस कम से कम 1 साल लगती है। तो 2 नंबर में आती है वो है JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है। इसमें 2 लेवल आती है, राइट। सो एक JEE मेन और JEE एडवांस, राइट। सो अगर आप मेन क्लियर करते हैं JEE मेन, देन ओनली यू कैन अपियर इन JEE एडवांस। आप तब JEE एडवांस जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेवल जो है JEE मेन, इसमें आप कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, NITs में अप्लाई कर सकते हैं, IITS में अप्लाई कर सकते हैं, CFTIs में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप IIEST सिपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप इसको क्लियर करते हैं JEE मेन को, फिर आप JEE एडवांस दे सकते हैं। JEE एडवांस में कौन सी कॉलेजेस आती है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जो है वो आती है IITs आती है, राइट। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद आती है। सो ये सब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। सो नंबर 3 हम लोग जिस टॉपिक में, जिस एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हुए हैं, GAT ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। सो ये जॉइंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये जो 7 IITs है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसका कोलाबोरेशन होके एक साथ मिलके ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए थे GAT, राइट। सो इसमें आप GAT में आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। GAT एग्ज़ाम की जो अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने 60% स्कोर किया, ठीक है, तो ऐसा काफ़ी गवर्नमेंट कंपनी से, पब्लिक सेक्टर कंपनी से, जहाँ पर आपको एंट्री लेवल में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। सो GAT, आप GAT का जो 2 एडवांटेज है वो है कि आप PG लेवल में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इसको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, वो भी रेपूटेड कॉलेजेस में, एंड नंबर 2 आप डायरेक्ट नौकरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज होगी तब, राइट। सो ये था GAT के बारे में। सो जो 4th नंबर में आती है वो है कॉमन एडमिशन टेस्ट, राइट, CAT। जो CAT एग्ज़ाम्स होती है इसको आप क्लियर करने के बाद मोस्ट ऑफ द बी स्कूल एक्सेप्ट करती है स्कोर कार्ड को, राइट। मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं इसके द्वारा, CAT के द्वारा एडमिशन के बाद। टॉप जो IIMs है, जितनी भी 20 IIMs है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर कुछ आप जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं उसके बाद। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 50% ग्रेजुएशन में रहनी चाहिए, राइट। तो इसमें आपको 100% मिलेगी इन 3 आवर्स की आपकी टाइमिंग मिलेगी। इसमें 3 सेक्शन होते हैं CAT में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। जो 5th नंबर में आती है वो है एम्स की जो PG एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, राइट। सो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को, राइट।
सो जो ये एग्ज़ाम है ये सो जो एम्स की जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये साल में सालाना दो बार होती है राइट। एमडी एमएस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल साइंस के लिए राइट। सो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीडियर हो टू सेशन होती है इसकी राइट। सो 124 सीट्स रहती है ईच सेशन में, दो सेशन होती है 124 सीट्स रहती है ईच सेशन में राइट। इसकी जो ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ क्यों कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ाम, क्योंकि जो 25% जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है? जो ऑलरेडी AIIMS में UG कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रही है उसके लिए 25% ऑलरेडी रिजर्व्ड है राइट PG कोर्स के लिए। सो 100% से 25% अगर आप निकाल देते तो अभी 75% बची रहती है राइट। आप 75% में 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व है मतलब SC ST। सो 50% फिर 75% से निकाल दीजिए कितना बचता है हम लोग का 25%। सो 25% हम लोगों के लिए कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाती है। एग्ज़ाम्स तो टफेस्ट है ही, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी लग जाती है उसके बाद ये और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और टफेस्ट हो जाती है। सो 25% जो है वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।